अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। ये सौंपना यानी क्या, कभी सोचा है? पूरा विश्वास भगवान के ऊपर कि तुम जो मेरे लिए करो वो बढ़िया ही होगा। सौंपना यानी क्या? कंप्लीट फेथ सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर मतलब समर्पण, मतलब सर अंडर। सरेंडर मतलब सर अंडर, हाँ वो भी चलेगा, तुम्हारा हाँ सर उनके अंडर आ जाए, दैट इज सरेंडर। और प्रेम, सौंपा किन चीज़ों को जाता है? मैं अभी गई थी वेकेशन पर, घूमती थी सुबह, राउंड मारती थी रिसॉर्ट में, तो भगवान की स्थापना होती है कमरे में, तो भगवान को फूल चढ़ाती थी, एक दो फूल अपने बालों में लगाती थी और एक दो भगवान को चढ़ाती थी। तो कैसा फूल ढूंढती होंगी मैं, ऐसा आप लोग कुछ सोच सकते हैं? कैसा फूल? सबसे सुंदर, हाँ सबसे सुंदर। और यूजुअली ऐसा होता था, वॉक करते करते मतलब एक अच्छा फूल लिया वो हाथ दिखता था, लिया हाथ में, फिर आगे चलकर और खिला हुआ मिलता था तो ये छोड़ देती थी और दूसरा लेती थी, फिर और आगे जाती थी तो और सुंदर फूल कोई दिखता जिसमें रंग कुछ और खूबसूरत होते, खिलावट कुछ और, तो फिर पहले के दो छोड़ देती और इसको लेती। ऐसे करते करते जब तक मेरे राउंड कंप्लीट होते तब तक कभी पहले तो दिन ऐसा किया कि पहले के छोड़ती गई और जो सबसे बेस्ट था वो लेकर भगवान को अर्पण किया। लेकिन फिर अगले दिन ख्याल आया कि मेरे साथ और भी तो 11 लोग हैं, तो वो लोग भी तो एक एक फूल चढ़ाए, भले बेस्ट नहीं लेकिन बेस्ट से थोड़ा कम बेटर भी चलेगा ना, तो बेस्ट अपने लिए हाथ में यहाँ रखती थी और बाकी के 11 फूल लेके कमरे में सबको बांटती थी कि तुम भी धरो। लेकिन धरना क्या होता है? जैसा कि कहा, सबसे बेस्ट। तुम सबसे बेस्ट हो क्या जो तुम सौंपने चले हो भगवान को? ये तो गुजराती में यूं कह माथे पड़िया। तुम जिस हाल में हो इस हाल में तुम भगवान को अपने को सौंपोगे तो माथे पड़िया भाई, इसमें भगवान को कोई तुमसे लाभ नहीं होने वाला। इसलिए तुम कैसे बेस्ट हो सकते हो? क्या तुम कह सकते हो कि अभी हम बेस्ट है इसलिए हम अपने आप को सौंप रहे हैं? और जबकि आज ये सवन मैंने भक्ति मैंने बोला कि आज तुम लेना ये भक्ति, और जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अभी तुम क्या या मैं क्या, हम कोई बेस्ट नहीं है, हम कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान के चरणों में अर्पण होने के लायक है, हम में से कोई भी नहीं है। हाँ इतना फर्क अवश्य है कि अब उस तरफ हमने यात्रा शुरू कर दी है अच्छे होने की तरफ, तो बेस्ट से थोड़े कम जरूर है, बेटर है या गुड है, या फिर हम वर्स या पुअर है, लेकिन अभी हम बिल्कुल आउट ऑफ द जर्नी नहीं है ऐसा मुझे नहीं लगता, इजंट इट? थोड़े थोड़े तो अब जर्नी में आ गए हैं ना, लेकिन बेस्ट बनना है तो तुम क्या ऐसा कहना चाहते हो कि हम पुअर बनकर तुम्हारे चरणों में सौंप जाते हैं फिर तुम बेस्ट बना देना हमको, ऐसा कहना चाहते हो? तुमने बोला ना आज गाया और उसमें भी आखिरी लाइन तो कितनी खूबसूरत थी कि कभी मैं मिल जाऊं तुझको, ऐसा गाया ना, मैं मिल जाऊं, मैं तू मुझे ढूंढ ले, ऐसा ऐसा ही गाया कुछ, मुझे ऐसा समझ में आया कि आखिरी लाइन क्या थी, हाँ मेरी इच्छा बस एक प्रभु एक बार तुझे मैं मिल जाऊं, मुझे तो मिल जाए ऐसा नहीं कहा, एक बार तुझे मैं मिल जाऊं, ये है भक्ति मार्ग का मजा, एक बार तुझे मैं मिल जाऊं यानी कि तेरी कुछ भूल हो रही है भाई, तू ढूंढने में कहीं गड़बड़ कर रहा है, इसलिए एक बार मैं विनती रख देता हूं कि एक बार तुझे मैं मिल जाऊं, उसके बाद इस सेवक की एक रग रग का मिल जाओ, उसके बाद क्या पार्टी बनाएंगे क्या हम, मिल जाओ उसके बाद हर तार रहे तुम्हारे हाथों में, बस तार रहे यानी मैं कठपुतली बन जाऊं और तू जैसे चलाना चाहे ना इस जीवन को बस ऐसे चले, लेकिन उस क्षण तक पहुंचने के लिए उस क्वालिफिकेशन को, उस एलिजिबिलिटी को, उस लायकात को अपने भीतर प्रकट करने के लिए तुम्हें एक यात्रा में से पसार होना पड़ेगा। तुम ये समझो कि मैं मुरझाया हुआ फूल भगवान के चरणों में अर्पित करूं तो भगवान इसे खिला देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि
चढ़ाने से पहले, अर्पण करने से पहले शर्त यह है कि फूल खिला हुआ होना चाहिए। और तुम्हारी यात्रा बस शुरू तो हो गई है खिलावट की तरफ, लेकिन फिर भी मुझे श्रीमद का एक वचनामृत आज लेने का मन किया कि इसी वचनामृत के आधार पर तुमसे जरा बातें तो करूं कि तुम्हारे जीवन में खिलावट कितनी हुई है। तो करें बातें, अपने चेहरे देखोगे ना, सारे आईना है, ज्ञानी के वचनामृत तो आईना है, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कैसा फूल हो, गिरा हुआ, सड़ा हुआ, मुरझाया हुआ, या अब थोड़ा थोड़ा अर्पण करने की तैयारी है। और वैसे तो आज का सत्संग ना, मैं तुम्हें बता दूं, मीटिंग है ये। मीटिंग का कितना टाइम मिलता है ये मुझे मालूम नहीं है, प्रभु बहुत प्रिपरेशन करके आए हैं, रात को 12 बजे तक तैयार कर रहे थे, लेकिन कितना टाइम मिलता है मुझे मालूम नहीं। लेकिन सत्संग के अंदर से तुम लोग मीटिंग के पॉइंट्स निकाल लेना, इतने तो तुम कैपेबल हो ना, कि सत्संग के अंदर से तुम मीटिंग किस लिए है और क्या है उसकी बातें तुम अपने आप डिराइव कर लोगे ना। फैंटास्टिक, तो हम सत्संग ही करते हैं। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत 57 और 58 एक साथ। तुम जानते हो कि वैसे एक वचनामृत का एक लाइन भी मेरी कभी पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी आज उसी परमात्मा की कृपा से ये कोशिश कर रही हूं कि दो वचनामृत एक साथ लूं। 57 लिखा है जूठा भाई उजम सिंह को मोरबी से, और 58 लिखा है खिमजी देवजी भाई को। क्या कहते हैं चिरंजी, कर्म गति विचित्र है, निरंतर मैत्री प्रमोद करुणा और उपेक्षा भावना रखिएगा। फूल खिलावट के लिए बात कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा फूल खिलाना है तो क्या करना क्या है, मैत्री प्रमोद करुणा और उपेक्षा भावना रखिएगा। मैत्री अर्थात सर्व जगत से निर्वैर बुद्धि, प्रमोद अर्थात किसी भी आत्मा के गुण देखकर हर्षित होना, करुणा अर्थात संसार ताप से दुखी आत्मा के दुख से अनुकंपा आना, और उपेक्षा अर्थात निस्पृह भाव से जगत के प्रतिबंध को भूलकर आत्महित में आना। ये भावनाएं कल्याणमय है और पात्रता देने वाली है, तुम्हारा फूल खिलाने वाली। अगले ही दिन, ये चैत्रवदी नवम को लिखा है, उसके अगले दिन दसम के दिन वापस कुछ ऐसा ही पत्र दूसरे खिमजी देवजी भाई को लिख रहे हैं। उसमें लिखते हैं, आप दोनों के पत्र मिले, स्यादवाद दर्शन का स्वरूप जानने के लिए आपकी परम अभिलाषा से मुझे संतोष हुआ है, परंतु यह एक वचन अवश्य स्मरण में रखें कि शास्त्र में मार्ग कहा है, मर्म नहीं कहा। मर्म तो सत्पुरुष के अंतरात्मा में रहा है, इसके बारे में मिलने पर विशेष चर्चा की जा सकेगी। धर्म का रास्ता सरल है, स्वच्छ है और सहज है, परंतु वह विरल आत्माओं को प्राप्त हुआ है, प्राप्त होता है और प्राप्त होगा। मैत्री, सर्व जगत पर निर्वैर बुद्धि, अनुकंपा, उनके दुख पर करुणा, प्रमोद, आत्मगुण देखकर आनंद, और उपेक्षा यानी निस्पृह बुद्धि, इससे पात्रता आएगी। दोनों वचनामृत में एक ही टॉपिक है, इन चार भावनाओं को अपने जीवन में लाओ। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी गाया करते थे, मैत्री भावनु पवित्र जरनु मुझ हयामा वहा करे, और रोज गाते थे। मुझे तब समझ नहीं आता था, 8-9 साल की थी शायद मैं, लेकिन वो रोज गाते थे। फिर दादाजी एक्सपायर हो गए तो दादी जी भी रोज गाती थी। मैं उनसे पूछती थी कि ये क्यों गाते हो, इसका मतलब क्या है, लेकिन वो कहते थे नहीं, हमारे भगवान ने बोला इसे रोज गाना चाहिए, इसलिए हम लोग ये गाते हैं। लेकिन अब जब मैं शांत सुधा रस के अभ्यास में आई हूँ तो मुझे सच में पता चल रहा है ये रोज गाना चाहिए। जैसे हमारे दादाजी जब हम छोटे हुआ करते थे ना, जैसे तुम्हारी दादी रोज, तुम अभी छोटी हो ना, तो रोज तुम्हें वो कड़वा कड़वा कुछ नहीं खिलाती। किस लिए खिलाती है, कोई बीमारी है तुम्हें? कुछ कोई बीमारी नहीं है। तो कृति का हमेशा ये झगड़ा रहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे ये कड़वा कड़वा कांसा मत खिलाओ, या कड़वा कड़वा सुदर्शन पिला देती हैं, कुछ भी करती हैं, लेकिन दादी इसको क्यों पिलाती है? बीमार है इसलिए कि बीमार ना हो इसलिए? इसी प्रकार ये चार भावना जो है ना, तुम बीमार हो इसलिए नहीं है, लेकिन तुम बीमार ना हो ना कभी भी, तुम्हें भव रोग पीड़ा ही ना दे, उसके लिए चार भावना है। हम लोग ओनली 12 भावना से परिचित है, तुम लोग भी ज्यादातर 12 भावना से परिचित होगे, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, अन्यत्य भावना, एकत्व भावना, अशुचि भावना, 12 है ना।
लेकिन ये चार भावना से जल्दी से हमारा परिचय होता नहीं। और श्रीमद् ने अपने वचनामृत में इन चार भावनाओं को पात्रता विकसित करने के लिए सबसे मूल आधार बताया है। और वचनामृत 40 में उन्होंने ये भी लिखा था ना कि विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, जितेंद्रियपना और सरलता, ये चार चीजें पात्रता लाने में मदद करती है। और यहां पर लिखते हैं कि चार भावना से तुम में सरलता आती है। ये चार भावना जो है ना, इसको भाने से तुम्हें विशाल बुद्धि भी आएगी, सरलता भी आएगी, इंद्रिय विषय की उपेक्षा भी और मध्यस्थता भी। कैसे? इन चार भावनाओं का स्वरूप क्या है आज थोड़ा समझते हैं। और इसलिए समझना आज मुझे उचित लग रहा है क्योंकि जिस जिस तरह ये मिशन को हम एक्सपेंशन मोड में लेते जा रहे हैं, त्यों त्यों तुम लोगों की कैपेसिटीज बढ़नी चाहिए। जब तक तुम्हारी कैपेसिटी नहीं होगी इस कपड़े की, ज्यादा जितनी कैपेसिटी है उतना मैं इसको खींच लूं, उसके बाद क्या होगा? फट जाएगा। ये इलास्टिक होगा, इसमें लाइक्रा होगा, ऐसा कुछ जो आजकल आता है ना, ये कुछ मटेरियल होगा, तो उसको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी पात्रता यदि कम है तो मिशन जैसे जैसे एक्सपैंड करेगा ना, और यदि तुम वैसे वैसे एक्सपैंड नहीं करोगे, बाहर नहीं तुम्हारे भीतर, तो बहुत जल्दी वो दिन आ जाएगा कि तुम और मिशन दोनों अलग अलग हो जाओगे। और ऐसा कितने आश्रमों में होता है, ऐसा कितनी जगह पर होता है कि जिस स्पीड से बाहर का, जिस पेस से बाहर का विस्तार और विकास होता है, उस पेस से मुमुक्षु अपने भीतर विकास नहीं कर पाता, प्रोग्रेस नहीं कर पाता। और नहीं कर पाता इसलिए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं, तो फाइनली मुमुक्षु कहीं ये सोच के बैठ जाता है कि फ्रिक्शन में जाना, झंझट में जाना, इससे अपने अपने घर पर बैठकर साधना करो, ऐसा ही सोचता है ना, कि कहीं झगड़े में जाना, उलझना, कॉन्ट्रोवर्सीज में आना, एक दूसरे को दुख पहुंचाना, उससे अच्छा है अपने घर पर बैठ के साधना करो। बट दिस इज रॉन्ग। अगर मिशन राइट है तो तुम्हारी ये मेंटालिटी रॉन्ग है, और अगर हाँ मिशन रॉन्ग है तो तुम्हारी मेंटालिटी राइट है। तो मैं यहां पर ये तो कह ही सकती हूँ कि मिशन राइट है, मिशन इज 100% राइट, उसे कोई पर्सनल इंटरेस्ट, कोई पर्सनल बेनिफिट्स नहीं चाहिए, कोई पर्सनल उसको रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कहीं कोई फ्रिक्शन लगता है, तुम्हें कहीं कुछ दुविधा लगती है, तो प्रॉब्लम इज एट योर साइड। अपने को विकसित करो, और विकसित करने के लिए चार भावना चाहिए, मैत्री, प्रमोद, करुणा, उपेक्षा। तुमने भक्ति सुनी है कि नहीं, मैत्री भाव का पवित्र झरना? आज तुम लोग तैयार हो ना? तो एक बार शांत सुधारस में जो कहा वो मूल पद की बात करें, क्योंकि मैं तो उसी पर बात करूंगी, उसके बाद ये भक्ति लेकर अभी चालू करते हैं कि ये चार भावना से तुम्हारा विकास कैसे होगा, और इस जीवन में तुम मिशन की सेवा के साथ साथ पैरेलल अपनी साधना कैसे कर सकते हो। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में इतना टाइम नहीं है कि 10 साल मिशन की सेवा करें और उसके 10 साल बाद साधना करें, ऐसा कुछ गारंटी है क्या? दोनों काम पैरेलल करने पड़ेंगे। या तुम सोचो 10 साल खूब साधना कर लेते हैं फिर आएंगे मिशन की सेवा में, लेकिन तब तक मिशन इतनी दूर तक रफ्तार अपनी ले चुका होगा कि तुम्हें ऑड वन आउट जैसा लगेगा, सारे नए चेहरे दिखेंगे, सारे नए ढंग दिखेंगे, रंग दिखेंगे। ऑफ कोर्स वी हैव टू चेंज विद टाइम, हमें टाइम के साथ बदलना होगा। अगर तुम 10 साल साधना में निकालोगे फिर सेवा की तरफ आओगे तो भी तुम कुछ अर्पण नहीं कर पाओगे, और अगर 10 साल सेवा करने के बाद साधना करने की सोचते हो तो भी कुछ नहीं होगा। थिंग्स हैव टू बी पैरेलल, साइमल्टेनियस, बाहर सेवा, भीतर साधना। और भीतर की साधना क्या है? तो मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता या उपेक्षा। ध्यान से सुनना, मैत्री परेशा हित चिंतनम यद भवेत् प्रमोदो गुण पक्षपात कारुण्यमार्तांग गिरुजां चिहिर्षे योपेक्षणम दुष्ट धिया मुपेक्षा। ये भाव में
प्रमोद है वो गुण की प्रशंसा, कारुण्य नित्य पर दुख चिंता, माध्यस्थ है सब में समभाव दृष्टा, माध्यस्थ है सब में समभाव दृष्टा, मैत्री भाव का पवित्र झरना मेरे हृदय में बहा करे, शुभ होवे इस सकल विश्व का ऐसी भावना नित्य रहे। गुण से भरे हुए गुणी जन देख हृदय मेरा यो नित्य करे, उन संतों के चरण कमल में यह जीवन अर्पण रहे। दीन क्रूर और धर्म विरोधी देख के दिल में दर्द रहे, करुणा भीगी आँखों में से अश्रु का शुभ स्त्रोत्र बहे। मार्ग भूले हुए जीवन पथिक को राह दिखाने खड़ा रहूं, करी उस मार्ग की तो भी समता चित में धरूं। वीर प्रभु की धर्म भावना हृदय में सब मां नव लावे, राग द्वेष के पाप को त्यज के मंगल गीतों को गावे, राग देश के पाप को त्यज के मंगल गीतों को गावे। बारह भावना जो है ना, अनित्य भावना, अशरण भावना, इन सब का संबंध जड़ जगत के साथ है। तुम्हारी कोई वस्तु टूट गई, बहुत अच्छी वस्तु तुम्हारी खत्म हो गई, किसी ने गाड़ी को ठोक दिया पीछे से, तो वहां पर अनित्य भावना। जो बारह भावनाएं हैं ना, वो सारी जड़ जगत से संबंध रखती है। ज्यादातर लोग बारह भावनाओं पर स्ट्रेस देते हैं, लेकिन अपने दादाजी के जीवन में देखा था कि उन्होंने इन चार भावनाओं पर ज्यादा स्ट्रेस दिया था, क्योंकि ये चार भावना जो है ना, वो जीव जगत के साथ संबंध रखती है। बारह भावना जड़ जगत के साथ संबंध रखती है कि किसी ने तुम्हारी वस्तु तोड़ दिया, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तो सब कुछ संसार में अनित्य है वस्तुओं की अपेक्षा। यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी वस्तुओं से इतनी नहीं होती, लेकिन संबंधों से ज्यादा प्रॉब्लम है हमें, isn't it? किसी ने हमारी कोई वस्तु तोड़ दी, किसी ने गाड़ी पर नुकसान पहुंचा दिया, या किसी ने हमें धोखा दे दिया कहीं पर भी, तो वो तो मतलब जो लॉस हुआ ना, वो तो हम भूल जाते हैं। बिजनेस में किसी ने धोखा दिया तो हमें समझो 5 लाख का लॉस हुआ, 5 लाख का लॉस भूल जाते हैं, पर उस व्यक्ति के साथ जो वैर बुद्धि है ना, वो अंदर बंध जाती है। इसलिए यहाँ पर ज्ञानी ये कहते हैं कि 12 भावना अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जड़ जगत के साथ जब तुम रहते हो तो उसमें कैसे डील करना है उसके लिए है। लेकिन हमें जड़ के साथ इतनी प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारी प्रॉब्लम चेतन जगत के साथ है, सामने जो रिलेशन के अंदर, सामने जो लोगों के साथ हमारे भटकाव होते हैं, हम उसमें से कहाँ उगर पाते हैं, है कि नहीं? वस्तु भूल जाते हैं, किसी ने गाड़ी ठोकी होगी वो भूल गए होंगे, लेकिन वो भीतर वैर का भाव, अंदर द्वेष का भाव, वो अभी भी चल रहा है। तो प्रॉब्लम हमारी जीव जगत के साथ है, और उस जीव जगत के साथ की प्रॉब्लम को कैसे हटाया जाए, उसके लिए ज्ञानियों ने चार भावना बताई, मैत्री यानी सर्व जगत से निर्वैर बुद्धि। और अगले ही वचनामृत में श्रीमद ने कहा
कि अवश्य स्मरण में रखें कि शास्त्र में मार्ग कहा है, मर्म नहीं कहा, रहस्य तो सत्पुरुष की अंतरात्मा में रहा है। आप कहोगे हमें कहाँ किसी के प्रति वैर बुद्धि है, यहाँ कह रहे हैं सर्व जगत के प्रति निर्वैर बुद्धि। वैसे तो ऐसा कोई है जिसे पूरे जगत के प्रति निर्वैर बुद्धि हो, वैर किसी से भी, कहीं कोई शत्रुता ही नहीं, ऐसा कोई है? हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ज्ञानी शुरू वहां से कर रहे हैं मैत्री यानी निर्वैर बुद्धि। कितने के साथ वैर है? एकाध के साथ तो होगा, एक रखें, एक के साथ वैर बहुत कम है, एक रखें। ऐसा मैंने बोला इसीलिए क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो पता चलेगा अनेक है, लेकिन फिर भी मिनिमम एक तो होगा ही सबके जीवन में। कोई टीचर होगी, कोई ऐसा फ्रेंड होगा, कोई तो है ही ऐसा जिसके साथ वैर है पक्का। एक पर सब लोग हाँ कहते हो, एक के साथ वैर है। अब रहस्य क्या है? कहा ना कि अंतर आत्मा में पड़ा है। रहस्य ये है कि जिसके प्रति वैर है ना, उसके भी मंगल की भावना, मैत्री भावना। तुम क्या करते हो ना, जिसके प्रति वैर है ना उसको जरा साइड कर लेते हो, उसके बाद सकल जगत का मंगल हो। हम लोग तो कितना गाते थे, सबका मंगल सबका मंगल, तुम्हें याद है कि नहीं? लेकिन सबका मंगल में जिसका वैर, उसके प्रति तुम मंगल की भावना सोच भी सकते हो क्या? जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया हो, जिसने तुम्हें धोखा दिया हो, उसका भी मंगल हो, ऐसा तुम सोच सकते हो क्या? ये सोचना सिखाता है मैत्री भावना, सबका मंगल, सभी का मंगल, सबके प्रति निर्वैर बुद्धि। तो पता नहीं तुम्हारी हो सकती है कि नहीं, लेकिन सबके प्रति मंगल और मित्रता का भाव। और मैत्री के लिए मैं इंग्लिश वर्ड ढूंढ रही थी तो मुझे मैत्री के लिए वैसे नॉर्मली मिला फ्रेंडशिप, लेकिन आगे जाके मैंने देखा, उसमें सर्फ में थोड़ी आगे गई तो मैत्री के लिए वर्ड मिला एमिटी, ब्यूटीफुल वर्ड। फ्रेंडशिप तो तुम्हारी उससे होती है जिसको तुम जानते हो, एमिटी यानी जिसको जानते नहीं हो उसके प्रति भी मित्रता। कितनी निर्वैर बुद्धि है और कितना तुम्हारा जो विजन या तुम्हारा जो लैंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना ज्यादा होना चाहिए कि हरेक के प्रति मित्रता। लेकिन हम जानते हैं हम हरेक के प्रति मित्रता कर सकते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं के प्रति, अपने को धोखा देने वालों के प्रति, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रति क्या रहता है? वैर, स्पर्धा का भाव, वैर। तो वहां पर भी उसका भी मंगल हो, यह भावना तुम ला सकते हो कि नहीं? कैसे लाओगे आप? बस एक कोई भी सूत्र पकड़ लो, आप तो छोटे छोटे सूत्र लेके घूमते ही रहते हैं अपनी पॉकेट डायरी में, ऐसे कोई भी एक सूत्र पकड़ो और उससे इस निर्णय तक पहुंचो कि हर कोई अपनी अपनी कर्म सत्ता के अकॉर्डिंगली यहां पर इस नाटक के अंदर, इस प्रपंच के अंदर हर कोई अपना रोल निभा रहा है, उसमें क्या है? किसी को रावण का रोल मिला है, किसी को राम का रोल मिला है, न रावण रावण है न राम राम है, बस दोनों रोल्स अपने निभा रहे। तो उससे क्या होगा? सकल जगत के प्रति मैत्री। स्टेज पर राम और रावण दोनों युद्ध में आमने सामने खड़े हो, उन्हें भीतर कोई वैर होता है? बैक स्टेज पर जाकर आराम से पेप्सी पी रहे होंगे दोनों, इजंट इट? ऐसे ही यहां पर भी ऊपर में भले रोल्स किसी को कुछ भी मिले हैं, लेकिन भीतर तुम्हारे अंदर पेप्सी पी सको ना साथ में, इतनी मैत्री होनी चाहिए। तो किसी भी एक के प्रति भी, आज आज के दिन का प्रयोग है तुम्हारा, जिस भी एक के प्रति तुम्हें वैर बुद्धि है उसके प्रति मंगल का भाव करके देखो जरा, होगा कि नहीं? आज तुम्हारा ध्यान बाकी है कि करके आयो? ओहो, दोबारा करना, दोबारा मत भी करना, तो 5 मिनट आंख बंद करके बैठना, उस व्यक्ति का स्मरण करना जिसके प्रति वैर है, और उसका भी मंगल हो, उसका भी अच्छा हो, उसका भी कल्याण हो, ऐसी भावना। क्योंकि तुम जो भावना बहाते हो ना, वही रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, ये याद रखना। द एंटायर वर्ल्ड, जो पूरा ब्रह्मांड है ना, एक बड़ा सा मिरर है, इट इज अ ह्यूज मिरर। यहां पे तुम जो कुछ डालते हो ना, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, अभी नहीं तो कभी। लेकिन जो वापस आता है वो तुमने ही बॉल फेंकी थी। मैं यहां से उस दीवार पर बॉल मारूं तो रिबाउंस होके वापस यही आएगी ना। तो भले रिबाउंस होकर आने में टाइम लग सकता है, लेकिन आएगी जरूर तुम तक ही। इसलिए आज तुमको कोई धोखा दे रहा है, तुम्हें कोई चीट कर रहा है, तुमसे कोई
तुम्हें कोई गलत बोल रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई आक्षेप लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, ऐसा भी तो होता है, तुमने नहीं किया फिर भी आरोप लगा रहा है, ऐसा कोई एक व्यक्ति सबकी नजर में आ गया कि नहीं? सबने एक एक व्यक्ति माइंड में डाल दिया। उस व्यक्ति के प्रति आज 5 मिनट बैठकर उसका भी मंगल, और अपने चेहरे पर स्माइल लाना, उसका भी मंगल हो, ऐसा ऐसा नहीं, नॉट दिस नॉट दिस, ऐसा नहीं कि आज जब बोला है तो करना है, ये नहीं। अरे तुम्हें आनंद आ जाना चाहिए, उसका भी मंगल, सबका मंगल, तुम्हारे भीतर से तुम आजाद हुए। इतनी इतनी चीजों को हमने अपने दिमाग में भर रखा है ना, पास्ट के इतने इंसिडेंट्स, भूतकाल के इतने सारे इंस्टेंसेस को भर रखा है ना, कि नया कुछ आने की जगह कहाँ है हमारे जीवन में? क्योंकि कैपेसिटी इतनी ही है, तुम बड़े होते उससे तुम्हारी माइंड की कैपेसिटी नहीं बढ़ जाती, माइंड की कैपेसिटी उतनी ही है, और उसमें तुमने 40 साल के वैर, 40 साल के आरोप, 40 साल के आक्षेप, 40 साल के लोग जो तुम्हारे साथ धोखा दे रहे हैं, उन सबको डाल रखा है। उस दिमाग के अंदर कुछ नया वीतराग वाणी का, वचन का आना संभव कहाँ है? आ भी जाए तो क्या होगा? आ भी जाए, समझ लो कि चलो थोड़ी बहुत जगह भी बाकी रह गई है, तो थोड़ा आ भी जाए तो कचरे के साथ मिलके उसके क्या हाल होगा? खूब सारे कचरे के अंदर मैं 2-3 गुलाब के फूल डाल भी दूं तो बदबू तो कचरे की ही आएगी ना। तुम्हारे जीवन में भी सुगंध नहीं है यदि, वैसे तो बहुतों के जीवन में है, लेकिन यदि अभी भी हमारे जीवन में आनंद नहीं है, मस्ती नहीं है, नृत्य नहीं है, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम स्वतंत्रता, गुलामी नहीं है किसी की, नहीं है यदि, तो समझो अभी बहुत कचरा तुमने भीतर भर रखा है। और मैत्री भावना, जगत के प्रति निर्वैर बुद्धि, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण क्या है? जो वैरी है, शत्रु है, उसके प्रति भी मंगल की भावना। पूरे जगत को डिवाइड करो ना तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक आपके शत्रु, एक आपके मित्र, मैं कौन सी कैटेगरी में, मित्र में रखें, और तीसरा अपरिचित, मतलब जिनसे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। कितने लोग रास्ते में आते हैं जाते हैं, ना वो तुम्हारे शत्रु है ना मित्र है, रास्ते में कोई घूम रहा है वो ना तुम्हारा शत्रु है ना मित्र है, वो क्या है? अपरिचित। ये 4 भावनाएं क्या करती है ना, शत्रु के प्रति द्वेष नहीं होने देगी, मित्र के प्रति राग नहीं होने देगी, और अपरिचित के प्रति मैत्री और प्रेम। यानी जहां संबंध है वहां से संबंध तुड़वाएगी, और जहां संबंध नहीं है वहां संबंध जुड़वाएगी। ये इन 4 भावनाओं का काम है। तुम्हारे में इतना राग और द्वेष भरा है ना, राग की ही बात करो, प्रॉब्लम तो राग की है, अब इतने राग को तुम निकालोगे कैसे? और राग को क्या कहे शास्त्रों में, आग की उपमा दी है ना, राग इज इक्वल टू आग। तुम्हें गरम गरम चाय पीने की आदत है, गरम गरम चाय चाहिए गरम, लेकिन पियेंगे ठंडी करके, इजंट इट? हम लोगों को होता क्या है, चाय चाहिए एकदम गरम गरम, लेकिन पीने के लिए ठंडी करेंगे। अब चाय को, तुम्हें गरम गरम चाय को फटाफट ठंडी करनी है तो क्या करोगे? उसका विस्तार कर दो। तुम्हारे इस गरम गरम राग को अब तुम्हें ठंडा करना है, इस अग्नि को, तो क्या करो? उसका विस्तार कर दो। सकल जगत के प्रति राग, दैट इज कॉल्ड मैत्री। एक के प्रति राग, दैट इज कॉल्ड आग। लेकिन सभी पूरे जगत के प्रति जो राग है उसे मैत्री कहा जाता है। तुम्हारा राग ठंडा हो गया, अब उसमें अग्नि नहीं है, अब उसमें आग नहीं है, अब उसमें मजा है, अब उसमें डिपेंडेंसी नहीं है, अब उसमें फ्रीडम है, अब उसमें अपेक्षाएं नहीं है, अब उसमें देने का भाव है। वो मुझे कुछ दे उसके बदले मैं उसे कुछ दूं। और ये मिशन हमने खड़ा ही इसीलिए किया था, इजंट इट? हमें कुछ चाहिए नहीं बाहर से, लेकिन हम कुछ देने को तैयार हुए हैं। और करें भी क्या, हम और लीना प्रभु बात करते थे कि बादल भरता है तो उसे बरसना तो पड़ेगा। अब चाहे नीचे पानी की जरूरत है कि नहीं है, अब ये बादल को इतनी बुद्धि थोड़ी होती है, और बादलों को इतनी बुद्धि आ जाए तो रेगिस्तान कभी रेगिस्तान ना रहे और कहीं कभी बाढ़ ना आए। लेकिन अब ये कुछ ऐसा ही आयोजन प्रकृति ने किया है कि बादल भरा तो बरसेगा। ऐसे ही किसी ने आत्मा अनुभूति का इतना सा भी स्वाद चखा, और कितने चख चुके हो, चखा है कि नहीं तुम लोगों ने? अब तुम कहोगे आत्मा अनुभूति क्या होती है, तो आत्मा अनुभूति छोड़ो, आनंद का स्वाद चखा है कि नहीं तुम लोगों ने? सच्चे आनंद का, वो पेप्सी वाला आनंद नहीं,
वो जब तक है जान वाला आनंद नहीं है। तुमने एक्चुअल आनंद का कि सफेद कपड़े पहन कर भी हम कितने आनंद में है। पहले तो 10-10 हज़ार के कपड़े भी लाकर पहनते थे तो आनंद नहीं होता था, क्योंकि अपने 10 हज़ार का पहना तो किसी ने 12 का पहना है, इसलिए आनंद आता था कहाँ। और हमने जैसा कलर कॉम्बिनेशन पहना है वैसा किसी और ने 2000 में पहना है, तो अपनी एक्सक्लूसिविटी रही कहाँ। और अब सफ़ेद कपड़ों में भी कितना मज़ा है कि नहीं है तुम लोगों को। तो तुम लोग उस दिन 25 को सफ़ेद में आने वाले हो कि कोई किया है प्रिपरेशन तुमने 10-12 हज़ार का सफ़ेद में ही हो? नहीं नहीं, पल्लवी प्रभु भी बताएंगे तो होगा तो सफ़ेद ही ना। ठीक है फिर, ठीक है, प्योर वाइट हाँ, और वो भी हम जो वो सबसे सस्ता वाला रूबिया पहनते हैं वो। एनीवे, मिशन की एस्टैब्लिशमेंट इसीलिए हुई थी 2 साल पहले कि हम चाहते हैं कि लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। हम खुद सर्वज्ञ नहीं हैं अभी, हम कोई वितराग नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कोई अनुभव का ऐसा रस अंदर में भरा है कि अब वो बरसे बिना नहीं रह सकता, और उसके लिए वी ऑल जॉइंड हैंड्स टुगेदर, इजंट इट। अब ये हैंड्स जब मिले हैं और ये चेन बनाकर आगे, चेन खेलते थे तुम लोग कभी? चेन बनाकर आगे भागते थे तो किस लिए? दो और को पकड़ लें। दो और को पकड़े क्यों? ताकि हमारी चेन लंबी हो जाए तो 4 और हमारी चेन में आ जाए। तो ये मिशन कुछ चेन का गेम खेलते खेलते आगे बढ़ रही है। आर यू एंजॉइंग द गेम? दो दो साइड से एक्सटेंशन होते जा रहे हैं और दो दो चार चार लोगों को अपने इस भीड़ के अंदर जोड़ते जा रहे हैं। दिस प्लेस इज एक्सक्लूसिव, हाँ, यहाँ पर वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो तो चेन के कहीं ना कहीं कोनों में हिस्से बन चुके हैं, आई बिलीव। तो जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें 10 दिनों की चेन आगे बढ़ रही हो तो जो भी सामने टारगेट मिल जाए उसी को पकड़ लेना होता है, कि ऐसा सोचते हैं ये मेरा शत्रु है इसको नहीं पकड़ना, या ये मेरा मित्र है इसको पकड़ना है, ऐसा कुछ होता है? जो मिल जाए उसको पकड़ना है। और आज के दिन की तो तुम्हारी भावना क्या है? पहली भावना क्या है? तुम्हारा जो भी शत्रु तुमने विजुअलाइज किया है, कोई कर लिया ना सबने, वारंटी हो गया कोई शत्रु जिसके प्रति वैर है? मतलब हम पूरे सकल विश्व का हित चाह सकते हैं लेकिन उसके लिए हमारे को नहीं आता। आज हमें उसके प्रति भी वो जो एनर्जी हमारी ब्लॉक हो गई है ना, उसको हमने बहा देना है। और आपने भी एक के प्रति वैर है अंदर, है ना संजय प्रभु? एक के प्रति वैर है, मैं तो नहीं ना वो, फिर ठीक है। तो अगर हूं तो भी मुझे कोई झंझट नहीं है, लेकिन जिस एक के प्रति आपके भीतर वैर चल रहा है ना, आज उसके मंगल की भावना करके देखना और फिर देखना चमत्कार होते हैं, फिर देखना कैसे ये बेड़ियां टूटती है। तो आज ये पक्का सब करोगे कि यहीं करा के भेजूं? नहीं नहीं, घर जाके करना, क्योंकि घर में तुम्हें जरा ज्यादा अच्छे से वैर जागेगा। यहां तो तुम इतनी मैत्री में हो, घर जाके उस व्यक्ति की तस्वीर खोल के सामने बैठना तो अच्छे से वैर जागेगा और फिर उसका भी मंगल रिलीज। मैत्री के भाव से, यानी जिसे जानते हैं कि जिसे नहीं जानते, जो शत्रु है या जो मित्र है या जो परिचित है या अपरिचित है, सबके साथ हमने तो संबंध जोड़ लिया है। संबंध जोड़ लिया है कैसा? कि उसे मोक्ष मार्ग दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको चलना ना चलना वो बात की बात है, वो आएगा 4 भावनाओं में आगे, लेकिन मुझे तो राइट मैसेज कन्वे करना है। और जब तुम ये चेन लेकर आगे बढ़ोगे तो पता है क्या होगा? अलग अलग टाइप के लोग तुम्हें मिलेंगे, मिलते हैं ना अलग अलग टाइप के। कोई तो बड़े अच्छे से सुनता है, कोई सुनने को ही राजी नहीं, कोई सुनता है तो हमारा पास्ट उखाड़ के बैठता है, कोई अगर सुनता है तो अभी आगे तुम कैसे करने वाले हो, उसे फ्यूचर में कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से सब कुछ आएगा, उन सब की उनकी टेंशन होती है। अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, तब क्या करने का है? अभी भी तुम्हारा इवेंट है तो अलग अलग टाइप के लोग तुम्हें मिलेंगे, तो दूसरी भावना में एंटर होना है, दैट इज प्रमोद। प्रमोद का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा खुश हूँ, इट डजेंट मीन दैट। प्रमोद का मतलब डिक्शनरी में तो बहुत अच्छा मर्थ मीनिंग दिया है उसका, मेरी ये वेब डिक्शनरी के अंदर मर्थ, प्रमोद मतलब एंजॉयमेंट और प्रमोद मतलब मर्थ, और मर्थ का मतलब ये होता है मर्थ एग्जैक्टली, या प्रमोद का मतलब ये लो ना, प्रमोद का मतलब ये होता है दूसरे का गुण देखना और फिर खुश होना। गुण देख के, क्योंकि तुम्हें मिलेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन के लोग ना जिनमें दोष ज्यादा ही होंगे 100%, लेकिन फिर भी उसमें कहीं एकाध गुण तो होगा कि नहीं होगा।
वो एकाध गुण भी है ना, तो वो गुण देखकर तुम्हें उल्लास मनाना है। वो वहां आए, झूठ बोले, आज इवेंट की बात चल रही है, मैं तुम्हें इवेंट के लिए ट्रेन करना चाहती हूँ, वहां आए किसी बात से झूठ बोले, मान लो आगे की सीट पर आ जाए, पीछे की सीट पर आ जाए, तो वहां द्वेष बुद्धि नहीं, वहां पर पहले गुण देखो कि चलो बेचारा इतनी दूर से सुनने तो आया है, और उसका उल्लास, उसका उल्लास, उसकी अभिव्यक्ति। और अब तुम बोलो तुम क्या कहने चाहते हो कि प्रभु आप आगे नहीं, थोड़ा दो सीट पीछे बैठ जाइए। समझ में आता है कि कहीं कोई धक्का मुक्की करके आगे जा रहा हो, क्योंकि लास्ट में होने वाला है जिस हिसाब से प्रोग्राम शेड्यूल है पूरा। तो जब बाऊ की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बाऊ इज ब्लिस ऑफ विजडम, उसका शॉर्ट फॉर्म है बाऊ, बाऊ की जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी तब हो सकता है थोड़ी धक्का मुक्की हो जाए, तो आप लोग बौखला मत जाना कि ये क्या है भाई, ये लोग कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम में आए, नहीं, ये लोग सांसारिक लोग हैं, प्रोग्राम आध्यात्मिक था प्रोग्राम आध्यात्मिक था, लोग तो सांसारिक ही हैं। तो थोड़ा हड़बड़ी हो और शादी की सीजन है, किसी को जल्दी जाना आना हो, तो प्रमोद गुण देखना, सुना तो सही ना, दो घंटे बहे तो सही ना इसमें, अब थोड़ी धक्का मुक्की कर रहे हैं तो क्या है। अभी टिपिकल एग्जाम्पल तुम्हें दूं, आजकल तुम कोई गौतम प्रभु को फोन करते हो, हेलो क्या है अभी अभी तुम्हें, हाँ है ना, यही है ना, आजकल जो टोन हफ्ते पहले था उसमें थोड़ा फर्क आ गया कि नहीं, क्यों आया पता है? हाँ हाँ, काम, एक्चुअली काम मान लिया इसलिए है, सेवा नहीं मानी ना, तो थोड़ा इनको, और अभी इनको ना बात करना, देखो ये इनमें दोष है, अभी तुम सबको दिखेगा कि बड़े टेंशन में होंगे, चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं होगी, बट ही इज अंडर ट्रेनिंग, अभी वो कौन सा सर्वज्ञ हो गए, तो वो ट्रेनिंग में है, तो अभी तुम्हें थोड़ी ना रूडनेस दिखेगी उनमें क्या दिखेगा? नहीं नहीं, रूडनेस है, मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ वो बहुत सौम्य हो सकते हैं क्योंकि आप ही इतने सौम्य हैं, लेकिन अरे ये मेरा सॉफ्टेस्ट टारगेट है, एग्जाम्पल लेना हो ना तो मैं इन्हीं का लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इन्हें बुरा नहीं लगता, दैट्स वाई एग्जाम्पल। और तुम इस एग्जाम्पल को सच मत मान लेना, लेकिन फिर भी अगर 1%, तो मैं इनको सेफ गार्ड कर रही हूँ कि अगर ये रूडली बोल ले तो कोई बुरा मत मानना। एक्चुअली मैं टोटल दृष्टांत में हूँ इनके साथ, तुम्हें लग रहा है ऐसा कि मैं इनकी मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं सेफगार्ड कर रही हूँ इन्हें कि कहीं टेंशन के कारण ये रूडली बोल दे तो तुम लोग प्रमोद भावना में रहना, तुम ये सोचना कि अरे रूड है तो क्या हुआ, उनके जैसी डेडिकेशन भी तो किसी की नहीं है। जहां तुम्हें दोष दिखे किसी व्यक्ति का, वहीं गुण देखना, और गुण देख के हाँ है तो ठीक है, उनके जैसी डेडिकेशन किसी की नहीं है तो नहीं, उल्लास मनाना उसका, सेलिब्रेट, दैट इज प्रमोद भावना। प्रमोद भावना क्या है? गुण है, हाँ ठीक है तो, लेकिन है तो नहीं, है के साथ ही आनंद आ जाना चाहिए, क्या डेडिकेशन है। अरे साल पहले तक ऐसा हुआ करता था, मुझे तो बोलते हुए भी हंसी आती है, लेकिन बोल दो, आजकल वो उदास है थोड़े, मेरा थोड़ा फायरिंग हुआ है तो इसलिए, लेकिन साल पहले तक तो ये लोग इतने नित्यक्रम मिस करते थे ना, कि कितने मिस किए ना उसकी भी काउंटिंग नहीं होती थी इनके पास, कितने किए उसकी काउंटिंग होती थी, फिर कहते थे कि जितने मिस हो गए वो आप गिन लेना, ठीक है। लेकिन धीरे 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 प्रोसीड होते होते आज उस लेवल पर आ गए हैं कि वेकेशन पर भी अगर 3 दिन जा रहे हैं तो एक भी क्रम मिस नहीं होगा, इनफैक्ट नेक्स्ट डे का क्रम भी आज एडवांस में हो जाएगा, क्योंकि कल दिल्ली जाके शायद काम ज़्यादा आ जाए तो आज उसका भी कर लो। दिस इज कॉल्ड परफेक्शन, वी आर ऑन द वे टू लर्निंग, कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है। लेकिन साल पहले जिनके नित्यक्रम कितने छूटते थे ना तुम लोगों के, जहाँ कोई इवेंट आ जाए सबसे पहले कहाँ किस पर क्रॉस लगता था, नित्यक्रम। हमारे तो इवेंट्स नहीं आते ना, फिर भी हमारी लाइफ ऐसी है कि नित्यक्रम पर ऑलवेज क्रॉस लग जाता है। लेकिन इन लोगों का ऐसा था कि जहां कोई इवेंट आए 3 दिन 4 दिन इतने बिजी भी होते थे तो सबसे पहले क्या छूटता था, नित्यक्रम, खाना पीना नहीं छूटता था। लेकिन ऐसे समझाते समझाते आज 1 साल बाद आई एम रियली हैप्पी टू डिक्लेयर दिस थिंग कि आज चाहे कितना भी बड़ा इवेंट होगा ये लोग एडवांस में होंगे, 2 दिन का आगे नित्यक्रम उनके पास किया हुआ होगा, कहीं ये पीछे से फिलअप नहीं कर रहे होंगे। अब मैं तुम्हें कहूँ ये गुण इनमें प्रकट हो गया है तो आप कहोगे हाँ है तो, लेकिन रूट कितने हो जाते हैं उस टाइम पर जब इवेंट आता है, तब जब इवेंट सिर पर होता है तो प्रभु रूट कितने होते हैं ये भी तो देखो, बट ये नहीं देखना। इसीलिए शांत सुधारस ग्रंथ में विनय विजय जी महाराज ने क्या कहा, गुण प्रत्यय पक्षपात करना,
बहुत सुंदर वर्ड था, क्या था? कितना अच्छा, जो मूल मंत्र है ना, मूल जैसी मूल है, क्योंकि वो बाकी तो ट्रांसलेशन किया हुआ है, हिंदी में तो बोल दिया है प्रमोद है वो गुण की प्रशंसा, लेकिन जो ओरिजिनल संस्कृत है उसके अंदर मैत्री परेशाम हित चिंतनम यद भवेत प्रमोदो गुण पक्षपात। तुम गुण का पक्षपात करना सीखो, लो गुण का पक्षपात, तुम्हें दिखेंगे दोष सामने वाले में। अब जब इतना बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है और कितने लोगों तक खबर पहुंच चुकी है, तो सामने लोग आएंगे, तुम्हारे मानसिक टकराव होंगे होंगे और होंगे 100%। ये मुझे भूमि पूजन से पहले देना चाहिए था सत्संग, लेकिन फिर भी आज चल, बेटर लेट देन नेवर वाला सिस्टम है अपना। तो आज ये इसलिए कह रही हूँ कि बाहर के जब लोग आएंगे तो टकराव होना बहुत नेचुरल है। तब तुम्हें क्या करना है, एक गुण देख लेना। वहां जितने लोग आए हैं कम से कम सत को सुनने तो आए हैं, उसके बाद वो कुछ भी करते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर उल्लास, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे वचन के अंदर, तुम्हारे चेहरे के ऊपर आनंद और उल्लास, क्योंकि तुम्हारे चेहरे देखकर उन्हें पता चलेगा यहां आने जैसा है कि नहीं है। यदि एक जना तुमसे टकरा गया जोर से, सम्यक तुमसे टकरा गया एक जना जोर से, और तुम पीछे मुड़ के यूं करो तो मिशन की क्या इंप्रेशन है, और तुम पीछे मुड़ के स्माइल करो तो क्या इंप्रेशन है। कुछ भी बोला नहीं तुमने, खाली एक तुम्हारी आईब्रोज ऊंची और एक है तुम्हारा लिप्स नीचे, इन दोनों में पूरे मिशन की रेपुटेशन चेंज हो जाएगी, इजंट इट? बस आई वॉन्ट दैट। आयोजन हो जाए इतना नहीं है, आयोजन के आगे एक्सटेंशन चाहिए हम लोगों को। हमें ये बादल जो भी भरा है इसको बरसना है, बार बार बरसना है, तो उसके लिए तैयारी चाहिए हम सबकी। तो पहली तैयारी क्या है तुम्हारी, मैत्री, यानी दो दृष्टिकोण लगा दो, तुम लिखना चाहो तो लिख लो, मैत्री यानी निर्वैर बुद्धि तो है ही, लेकिन हित की भी भावना अपने शत्रु के प्रति। प्रमोद के अंदर भी दो चीजें हैं, गुण देखना और गुण देख के हाँ है तो बस ऐसा नहीं, गुण देखकर आनंदित होना, उल्लास में आना, और इतना उल्लास में आना कि उस उल्लास के कारण उसका दोष दिखे ही ना तुम्हें, तुम ओवरलुक कर सको। लुक तो करो लेकिन ओवरलुक हो सके, ओवरलुक बड़ा सुंदर शब्द है, दिखता है लेकिन तुम्हें छूता नहीं है, दैट इज ओवरलुक। ओवरलुक करना क्या होता है, देख भी रहे हो लेकिन उसका स्पर्श नहीं हो रहा, इसलिए तुम किसी को रूडली बोलते हुए देख भी रहे हो लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज। अब ये तुम लोग आपस में मत शुरू कर देना, एक दूसरे से रूडली बोलना फिर बोलो प्रमोद भावना रखो रखो, ऐसा मत करना। अब कल को कृति बोले कि हाँ भाई मुझे भी गुस्सा चढ़ा हुआ है, थोड़ा तो ऐसा हो सकता है, तो मुझे भी गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो आपको प्रमोद भावना रखनी चाहिए कि नहीं? इट्स नॉट दैट। ये फर्स्ट सर्कल अगर है तो इस चेन कैरियर्स को ये चारों भावना पहले अपने अंदर, यानी फर्स्ट भावना मैत्री, तुम सकल जगत के प्रति मित्रता का, एमिटी का संदेश लेकर निकले हो। नंबर वन क्लियर। नंबर टू प्रमोद, तुम्हें दोष दिखेंगे लेकिन उस टाइम ओनली वन गुण देखो उस व्यक्ति का। अरे तुम्हें गुण ना देखे ना तो उसकी नाक कितनी सुंदर है ये देख लेना, इतना तो हो सकता है। इसकी नाक कितनी सुंदर है, इसके कपड़े कितने सुंदर है, और उसका इतना उल्लास मनाना ना कि फिर उसके कारण तुम भूल जाओ कि इनमें दोष क्या था, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? इसे कहा जाता है पात्रता का विकास करना, जो श्रीमद अपने हर एक वचनामृत में कहते हैं, पात्रता का विकास करो। और जब ये चार भावना तुम्हारे जीवन में खेल आएंगी ना, तब तुम लायक हो, सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। अब इस फूल का तू जो कर चाहे, तो इस फूल को तो अपने गले का हार बना, और चाहे तो इस फूल को उठा के रास्ते पर फेंक दे, चाहे तो वो एक फूल की आत्मकथा आती थी पता है तुम लोगों के स्कूल में, कि मैं ये चाह नहीं इसके उस पथ पर जाऊं, ऐसी एक कहानी आती स्टोर पोएट्री थी, उसमें ये फूल की चाह थी कि किसी सैनिक के शव के ऊपर मैं चढ़ाया जाऊं, ऐसा कुछ था। लेकिन अभी तुम्हें अगर भगवान के चरणों में अर्पण करना है तो इन चार भावनाओं से अपने जीवन को खिलाओ, मैत्री, प्रमोद, और मिशन के साथ रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? पूरा तुम लोगों के लिए तो फर्नेस क्रिएट किया जा रहा है, यही समझ लो। फर्नेस तुम समझते हो,
भट्टी भट्टी तैयार की जा रही है जिस भट्टी के अंदर तुम्हें 25 तारीख को डालने वाले हैं। अब तुम कितने, अगर तुम पीतल होगे तो तुम गए काम से, और अगर तुम सोने होगे तो निखर कर आओगे। तो द फर्नेस इज रेडी। तुम लोग खुश हो ना कि तुम डर गए। चलो तीसरी भावना, जो भी रखो, मिशन की शुरुआत। ठीक बात है। करुणा, करुणा का अर्थ ज्ञानी देते हैं, करुणा अर्थात संसार ताप से दुखी आत्मा के दुख से अनुकंपा आना। कोई दुखी है, कोई परेशान है, दुखी है, हाँ ठीक है, दैट इज नॉट करुणा भावना। उसके दुख को फील करके उसे हेल्प करना। कोई अंधा है, रास्ता नहीं क्रॉस कर पा रहा, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बेचारा अंधा, लेकिन तुम अपनी गाड़ी के एसी में से निकलकर बाहर आकर रास्ता क्रॉस नहीं कराओगे तो ये करुणा भावना नहीं है। करुणा भावना मतलब किसी के दुख को देखना और उसको हेल्प करने के लिए तत्पर होना, दैट इज करुणा भावना। मैत्री भावना तो क्या थी ना, पूरे जगत के प्रति समान, उसमें कोई सेपरेशंस नहीं है। प्रमोद भावना अपने से ऊंचे को देखकर, जिसमें अपना कुछ, जिसमें तुम्हें कुछ गुण दिखे। करुणा भावना जो तुमसे नीचा है, तुमसे नीचा है, अंधा है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी अगर तुम्हें ऐसा दिखता है तो उसके प्रति वहां पर तुम मैत्री का भाव करो, हाँ उसका भी कल्याण हो, नहीं तुम्हें अपनी सीट पर से खड़े होकर उसको हाथ देना होगा कि तुम उसको रास्ता पार कराओ। कोई भिखारी भीख मांग रहा है, खाना मांग रहा है, और तुम देखो कि हाँ जस्टिफाइड है, अब आजकल तो ये करना पड़ता है ना, जस्टिफाइड है कि नहीं है, तो तुम देखो कि इसको देना जस्टिफाइड है तो लेंड हिम मनी। ये नहीं कि ये सारे एक जैसे ही होते हैं, किसी को देके कोई फायदा नहीं, वो हमारा ड्राइवर तो यही करता है, किसी को देके कोई फायदा नहीं, सारे एक जैसे हैं, ये विवेक नहीं है। तुम्हें आंखें नहीं दी भगवान ने, तुम्हें आंखें दी है ना, तुम उसकी हाल देखकर तुम फील कर सकते हो कि ये देने जैसा है, तो लेंड हिम 50 bucks, लेंड हिम 100 bucks, तुम खाली नहीं हो जाओगे, लेकिन इस भावना से देना, हेल्प की भावना से। वो इसका क्या करता है तुम भूल जाओ, हो सकता है वो जाकर इसका कुछ उल्टा पुल्टा करे, लेकिन तुम अच्छी भावना से जरूर उसे हेल्प करना। करुणा भावना का अर्थ है कि जब कोई कुछ तुमसे नीची स्थिति में हो, गलत स्थिति में हो, तो तुम्हें उसकी हेल्प करने जाना। पूरा जगत इस समय करुणा का पात्र है। कैसे? संसार के सन्मुख है और आत्मा की तरफ देखता भी नहीं। मैं कौन हूं इस बारे में इसका विचार तक नहीं है। तो ये पूरे जगत के प्रति ज्ञानी को करुणा बुद्धि होती है। करुणा, तो करुणा मतलब पूरा जगत बेचारा दुखी है, दुखी है, ये भावना नहीं, हेल्प करने आगे निकलते हैं। और जब हेल्प करने आगे निकलते हैं तो कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई साथ में आता है, कोई साथ छोड़ के चला जाता है, अलग अलग बहुत टाइप के लोग आते हैं, लेकिन तब तुमने अपनी करुणा की फिगर को कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखना है। कोई साथ आया तो तुम बहुत हर्ष में आ गए, कोई साथ नहीं आया तो तुम्हारा हर्ष खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने इवेंट प्लान किया है, जो भी शाह ऑडिटोरियम तुम्हारा पैक होगा, भगवान है साथ में तो जरूर होगा, लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन, भगवान महावीर की पहली देशना खाली थी ना, कोई आया ही नहीं था, तो यहां पर भी मान लो कोई नहीं आता जो तुमने एक्सपेक्ट किया, हम 50 तो होंगे ही ना, हम 50 तो होंगे, तो हम 50 के लिए भी मैं तो बोलूंगी ना, और हम बाऊ को रिलीज तो करेंगे ही ना, और आप लोग भक्ति करोगे कि मना कर दोगे कि 50 लोग आए उसके लिए हम क्या भक्ति करें, लेकिन यू विल डू ना। और तब अगर तुम्हें ये रहे कोई आया नहीं और भीतर द्वेष आने लगे, तो मिशन तुम्हें यूज कर गया ये समझ लेना, लास्ट टाइम वाला, उससे तुमने साधना नहीं करी। कोई साधना तो तब है कि चाहे 50 आए कि 500 आए, तुम्हारा हर्ष एज इट इज होना चाहिए। लोगों के बढ़ने से तुम्हारा हर्ष बढ़े ना, तो ये संसारी की कैटेगरी है, साधक की नहीं है। लोगों लोग ज्यादा आए उसके लिए प्रयास तुम्हें पूरा करना है, पूरा, लेकिन अगर नहीं आते फाइनली तो अब द्वेष भी नहीं करना, तुम एंजॉय करो इस इवेंट को, बाव रिलीज करो, और अच्छा है जितने कम होंगे उतना ज्यादा मस्ती से हम लोग शायद कहीं स्टेज पर आकर प्रभु को भांगड़ा वांगड़ा करने का मन कर जाए, बाव रिलीज हो रही है उस दिन, तो हम लोग कर सकते हैं, थोड़े होंगे तो वी कैन डू एनीथिंग ना। तो तुम प्रमोद बनाना, करुणा रखना, इवेंट चाहे कुछ भी करो उसमें कहीं कोई कम लोग हो, कहीं कोई झूठ बोलने वाले हो, कहीं कोई तुम्हारा
तुम जो भी अच्छा ये कॉज कर रहे हो उसको रिबेल करने वाले भी मिलेंगे, प्रोटेस्ट करने वाले भी मिलेंगे, शुरू हो गए हैं तुम्हें मालूम ही है, प्रोटेस्ट करने वाले भी शुरू हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर फिर भी उनके हित की भावना। चार लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसके सामने तुम 40 लोगों से ये बात छीन नहीं सकते। 40 लोग तो सुनने आ रहे हैं ना, बस तुम उन 40 के लिए बोलो। चार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए तुम चुप हो जाओगे, लेकिन 40 सामने लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन को यू टर्न देने की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें उनकी नहीं पड़ी। इसका मतलब तुम्हारा अहंकार कितना ऊंचा है। इस अहंकार के साथ तुम मिशन को आगे नहीं ले जा सकते। ड्रॉप हेयर, या तो तुम ड्रॉप हो जाओ या मिशन को ड्रॉप कर दो। मिशन ड्रॉप नहीं होगा। इन एनी केस तुम्हारे पास चॉइस एक ही है कि तुम ही आगे बढ़ो। यू हैव टू एलिवेट फ्रॉम इनसाइड। तो पहला क्या है? मैत्री। सकल जगत के प्रति निर्वैर बुद्धि तो होगी, लेकिन तुम्हारा कोई जो शत्रु है उसके प्रति आज के दिन में मंगाई, उसका भी कल्याण हो। किसी ने तुम्हें चीट किया है, धोखा दिया है, उसका कल्याण। जस्ट बड़ा वियर्ड लग रहा है सुनने में, लेकिन होगा तो कितना मजा आएगा, ऐसा भी फील हो रहा है कि नहीं? चलो, प्रमोद, गुण देखना, क्योंकि तुम्हें मिलेंगे दोष से भरे हुए लोग। कोई तुम्हें सर्वज्ञ नहीं मिलने वाले, कोई तुम्हें मुनि दशा वाले नहीं मिलने वाले, मिलेंगे ऐसे कोई? कोई तुम्हें चौथे गुण स्थानक वाले सम्यक दृष्टि भी नहीं मिलने वाले। तो फिर कैसे लोग मिलेंगे? सारे मिथ्यात्व से लपेटे हुए, मिथ्यात्व से लपेटे हुए लोग मिलेंगे। अब उन लोगों के अंदर तुम्हें गुण देखने का पक्षपात करना पड़ेगा। पक्षपात समझते हो? पार्शियल होकर भी उनका गुण देखना पड़ेगा, और गुण देखकर उल्लास, जिससे उनका दोष जो भी है उसको हटाने के लिए तुम करुणा पूर्वक उनको आगे का मार्गदर्शन दे सको। यदि तुम्हें दोष ही दिखेगा तो तुम करुणा बहाओगे कैसे? इसलिए एक बहुत अच्छी भक्ति गाते थे ना, वो करुणा भीगी आंखों से देखे गुरुराज। एक मिनट, कितना उल्लास है इनमें आज। वहां पर ध्यान रखना, ताल और बाल का सबका गड़बड़ हो जाएगी। असुअन भर नैनो से उनको देखे प्रभु राज, असुअन भर नैनो से उनको देखे प्रभु राज, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली सींचे प्रभु राज, हर घड़ी करी रखवाली पत्ती पत्ती डाली सींचे प्रभु राज। वो है परम कृपालु राज, वो है परम कृपालु राज, वो है परम कृपालु राज, हर घड़ी करे रखवाली। हर घड़ी पत्ती पत्ती डाली, ये नहीं कि ये अच्छी पत्ती है ना इसकी रखवाली कर लूं, इसमें बहुत गुण है ना इसकी रखवाली करूं, ये बहुत फली फूली डाली है ना इसकी रखवाली करूं। हर पत्ती हर डाली, इसे कहा जाता है परम कृपाणु राज। कोई भी ज्ञानी उसका यही कर्तव्य है। हर घड़ी करे रखवाली, और तुम्हें भी कैसे रखवाली करनी है? मैत्री, प्रमोद, करुणा। क्योंकि यदि तुम्हें उनके दोष दिखेंगे तो करुणा का रास्ता ब्लॉक हो गया, समझ लो। इतने सालों से मैं तुम लोगों से बातें कर रही हूँ, 2-3 साल तो सेंटर को हो गए, और उससे पहले भी 7-8 सालों से तो बातें कर रही हूँ, स्टिल कई लोगों में मुझे विकास नहीं दिखता। तो क्या करने का? उन्हें और प्रेम से समझाने का। इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछने अभी भी आ जाते हैं घर पे, बताओ, इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछने। लेकिन कितने घंटे लगाए फिर भी हमने? 4.5 घंटे फिर भी। आप सोचो, इतने बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए स्टिल आई एम रेडी टू सिट फॉर 4 आवर्स विद द ओल्डेस्ट, जो सबसे ओल्डेस्ट है ना, बट दे आर स्टिल अमेच्योर, और मुझे मजा आता है। अगर तुम अपने क्वेश्चंस नहीं लाओगे तो तुम्हारे वो ब्लॉक्स निकलेंगे कैसे? जो कहीं पर कोई ब्लॉक्स आ गए हैं, कहीं तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक हो गई है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उस दिन 4 घंटे बैठे तो अभी कुछ हुआ कि नहीं? अब कहाँ कृष्णा, अंदर बाहर सब क्लियर है ना? दैट्स इट। विकास तुम्हारे भीतर होगा, लेकिन उससे पहले तुम कहाँ अटक रहे हो इसकी तो तुम्हें समझ होनी चाहिए कि नहीं? तुम कहाँ अटकते हो? तो तुम्हारे भीतर मैत्री नहीं है,
सकल जगत के प्रति तुम मैत्री की खाली बड़ी बड़ी बातें करते हो, सबका मंगल की शोर का शोर मचाते हो, लेकिन तुम खुद भी जानते हो कि सबका मंगल के अंदर तुम्हें अच्छे अच्छे लोगों के दर्शन होंगे, इसका मंगल हो जाए उसका। अरे एक जना तो मुझसे कहता है, मेरे को तो जब सबका मंगल भी सुनने जैसी बात है, सबका मंगल की धुन चलाते हैं ना, उस समय मुझे तो आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान और सिमंदर स्वामी दिखते हैं। मैंने कहा पर उनका तो मंगल हो चुका है, वो क्यों दिखते हैं तुम्हें? कहते बस सबका मंगल। और मैंने कहा तुम्हारे जो वैरी है, कहते नहीं नहीं वो सबके बारे में तो सोचे तो भी मंगल की धारा टूट जाए। लो ऐसी बुद्धि थी ना, इसीलिए कभी ध्यान को उपलब्ध नहीं हुए। ऐसी बुद्धि जिनकी थी ना, इसीलिए वो लोग आज तक कभी ध्यान को उपलब्ध नहीं हुए। और ऐसी बुद्धि को तोड़ो पहले तुम, क्योंकि चार योग भगवान ने बताए हैं। पहला श्रवण योग, दूसरा विचार योग, तीसरा भावना योग और चौथा ध्यान योग। क्रम और इसी क्रम से है, पहले तुम श्रवण करो, सुनो कुछ, क्योंकि सुने बिना तुम्हें यह सब समझ में आ जाता? घर पे बैठे बैठे विचार करते तो आ जाता समझ? नहीं ना। पहले श्रवण करो, सत्संग चाहिए उसके लिए, उसके बाद फिर विचार करो, जो भी सुना उसको कहीं ना कहीं रिलेट करो कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। उसके बाद उसको भावना योग के अंदर ले जाओ, यानी विचारों की सततता, निरंतरता कि आइंदा मेरे साथ ऐसा ना हो, उसकी प्रिपरेशन। इट इज जस्ट लाइक अ टॉनिक, कहा ना, तुम आगे जाके बीमार ना हो उसके लिए। एक होती है मेडिसिन और एक होता है टॉनिक, फर्क मालूम है ना? बीमार हो जाए फिर मेडिसिन लेते हैं, और बीमार ना हो कभी उसके लिए टॉनिक लिया जाता है। धर्म हैज टू एक्ट लाइक अ टॉनिक, नॉट मेडिसिन। और प्रॉब्लम आज समाज की ये है कि धर्म इज एक्टिंग लाइक अ मेडिसिन, नॉट टॉनिक। समझ में आता है? धर्म, हम जब दुख में होंगे ना, दुविधा में होंगे ना, तब धर्म की तरफ भागेंगे। जिसे कबीर क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में दुख काहे को होए। लेकिन आज समाज धर्म को कैसे उठा रहा है, मेडिसिन की तरह। दुख आया, तकलीफ आई, धर्म की शरण, एक ही शरण सच्ची है। लेकिन ये तुम्हें सुख में क्यों नहीं ख्याल आता? सुख में तो हम भाई इतने लिप्त हो जाते हैं ना, इतना एनग्रॉस हो जाते हैं कि वी कैन नॉट इवन रिमेम्बर। लेकिन जो इन चार भावनाओं के साथ चल रहा है, मैत्री यानी सबके प्रति निर्वैर बुद्धि, लेकिन तुम्हारे वैरी के प्रति मंगल की, हित की, शुभ की भावना। तो आज तुम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हो क्या? टाइम है अभी मीटिंग का, डोंट वरी। आज तुम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हो क्या कि जो तुम्हारा वैरी हो उसी को इनवाइट कर डालो ना 25th के लिए जीडी। हाँ नहीं, जो भी हो वैरी, तुम्हारे वैरी कोई हो उसको इनवाइट कर सकते हो कि नहीं? नहीं, मना कर रहे हैं स्वाति प्रभु। मना क्यों, ऐसा क्यों? अरे ये हिम्मत तो देखो, मार्ग में निर्भयता तो चाहिए। तुम उनको कोई पॉइजन ईटिंग सेरेमनी पे थोड़ी इनवाइट कर रहे हो, तुम उन्हें किसके लिए इनवाइट कर रहे हो? तुम उन्हें अमृत के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो हिम्मत रखना। अगर हिम्मत आती है तो, बाकी फोर्स नहीं है। तुम डरे डरे जाओ तो वैसे भी नहीं आएंगे वो लोग, के इतना डर के साथ इनविटेशन दे रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पर उल्लास हो, मस्ती हो, और तुम्हें लगे कि इनको इनवाइट करना है मुझे, इनके प्रति वैर है लेकिन मुझे इनको इनवाइट करना है। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हो सकती है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, जाने देना, एक्सेप्शंस हैं तो छोड़ दो, लेकिन अगर एक्सेप्शंस नहीं है तो यू मस्ट इनवाइट देम। ध्यान, ध्यान योग, ध्यान की तुम्हें उपलब्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि जैसे ही तुम ध्यान करने बैठोगे ना आंख बंद करके, तो तुम्हें हर तरह का विचार आएगा उल्टा सीधा, आता है कि नहीं? और वो उल्टा सीधा विचार इसलिए आता है क्योंकि प्रसंग, जब वो प्रसंग, वो घटना बनी होती है ना, तब तुमने इन चार भावनाओं से, तुम्हारा हृदय भूषित नहीं होता इन चार भावनाओं से, में से कोई भी एक। अभी ये भी देखेंगे कौन सी भावना कब करनी है, ये भी अभी चेक करेंगे। लेकिन ये चार भावनाओं से यदि तुम्हारा हृदय भरा हुआ हो ना, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम ध्यान करने बैठो और विकल्प आए और वो लंबा चले। विकल्प तो आएगा लेकिन लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें ज़्यादातर विकल्प किसके आते हैं, तुम्हारे जो फ्रिक्शन होती है, जिनके साथ झगड़ा होता है, जिनके साथ अनबन होती है, उनका विचार आएगा। और जैसे ही विचार आएगा क्या आएगा अंदर, मैत्री। उसमें भी तो प्रमोद है उसके प्रति, उसका गुण देखकर कि अरे जब तक उसने मेरा किया तब तक तो उसने बहुत अच्छा ही किया ना,
फिर कोई कर्म का उदय आ गया और ऐसा हुआ, लेकिन जब तक उसने मेरे साथ रहा उसने कितना मेरा हित सोचा। प्रमोद, करुणा, अब चलो वो गलत भी रास्ते पे जा रहा है, मेरा फर्ज क्या है, मुझे उसको समझाना है। बस विकल्प कैसे कट करने हैं, स्लिट करने हैं, मुझे तो स्लिट वर्ड अच्छा लगता है, स्लिट कर दो विकल्पों को इन चार भावनाओं के साथ। और अब तुम किसी को प्रति इतनी मैत्री करो, इतना प्रमोद करो, इतनी करुणा भी करो, तुम बहुत मैत्रीपूर्वक उसे इनवाइट करने जाओ 25th के इवेंट के लिए, प्रमोद उसका गुण भी दिखे तुम्हें। अब कितनी मुश्किल से तो गुण दिखता है किसी का, लेकिन समझो कि तुम उस मुश्किली से उसका गुण देख लो, फिर उल्लास भी तुम्हें मुश्किल से भी लेकिन आ जाए, फिर तुम उसको सच समझाने की कोशिश भी करो, करुणा भी करो कि प्लीज़ प्रभु आइए एक बार तो सुनिए, और फिर भी वो ना आए, देन उपेक्षा, मध्यस्थता, चौथी भावना। तुम किसी का एब्सोल्यूट हित चाहते हो, तुम किसी के लिए बिल्कुल अच्छा मन में लेके जा रहे हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा विरोध करता है, तुम्हारी बात नहीं सुनता, इग्नोर, इग्नोर दैट पर्सन हु हैज इग्नोर्ड योर जो भी इनविटेशन, या जिसने तुम्हारे जो भी अच्छी भावना है उसको समझा नहीं है, जिसने तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया है, तुम उसकी उस दशा को इग्नोर कर दो, खाली उस दशा को, बाकी तो पूरे में तो मैत्री ही रहेगी। तो कितनी बार ऐसा होता है कि लोग हमें आकर कुछ भी बोल जाते हैं, हमने मैत्री से उनको कुछ अच्छा बताया होगा, हमने प्रमोद करुणा सब कुछ किया होगा, लेकिन फिर भी हम उन्हें कुछ जो भी अच्छा बताते हैं वो उसे उल्टे ही चलते हैं, और तब तो द्वेष आना चाहिए ना थोड़ा। तब कहा मध्यस्थता, या मध्यस्थता का दूसरा वर्ड दिया उपेक्षा। उपेक्षा मतलब इग्नोर करो। तुम अपनी तरफ से, पहले तीन में तुम्हें प्रिपेयर किया कि तुम अपनी तरफ से बेस्ट इनपुट दो, इनपुट, और जब हम अपनी तरफ से बेस्ट इनपुट देते हैं, 2 घंटे लगा के कोई रेसिपी बनाए, यानी अपनी तरफ से बेस्ट इनपुट दिया हमने, 2 घंटे बना बिगाड़ के कोई रेसिपी बनाई, तो अपनी तरफ से अच्छा इनपुट दिया, बेस्ट, अब फाइनली क्या रहेगा, अपेक्षा रहेगी ना कि सामने वाला बोले, तो 4th स्टेज पर आके कहते हैं उपेक्षा। अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्ट करना, उपेक्षा मतलब इग्नोर करना। तुम अपनी तरफ से बेस्ट करो, 2 घंटे क्या तुम्हें 3 घंटे लग जाए तो भी तुम फर्श बनाने की कोशिश करो, लेकिन फाइनली जब तुमने जिसको धरा वो अपने किसी भी कारण से उसके प्रति प्रशंसा न कर पाए, तो तुम्हारे भीतर द्वेष नहीं होना चाहिए, तुम्हारे भीतर जरा भी खलबली नहीं होनी चाहिए, या तुम्हारे भीतर ये नेक्स्ट टाइम के लिए निर्णय नहीं होना चाहिए, आइंदा कभी नहीं बनाएंगे। हो जाता है ना, आज कर लिया सो कर लिया, लास्ट टाइम, दैट्स ऑल। हम कितनी चीजें जिंदगी में लास्ट टाइम का स्टिकर मार देते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है हम उसे दोबारा करते हैं। तुम लास्ट टाइम का स्टिकर लगाओ अपने अज्ञान के ऊपर। तुम लास्ट टाइम का स्टिकर, अगर तुम्हें बड़े स्टिकर लगाने की आदत पड़ी है ना, तो लास्ट टाइम का स्टिकर लगाओ अपनी वैर बुद्धि के ऊपर। लास्ट टाइम का स्टिकर लगाओ अपनी दोष दृष्टि के ऊपर, जिसे किसी का गुण दिखता ही नहीं है, सभी के दोष ही दिखते हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगाओ। लास्ट टाइम का स्टिकर लगाना है ना, तो अपनी गलत आदतों के ऊपर लगाओ, लेकिन उसमें तुम्हें कुछ गलत दिखता नहीं। यहां पर मोक्ष मार्ग पर अपने को भगवान के मार्ग पर अर्पण भी करना है ना, तो ये 4 क्वालिटीज चाहिए, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थता या उपेक्षा। माध्यस्थता मतलब मिडल, किसके लिए कौन सी भावना करनी ये समझ लेना, किसके लिए, कोई भिखारी जा रहा हो उसके प्रति उपेक्षा भावना कर दो, उपेक्षा, चलेगा, चलेगा, उसको देखो ही मत, उपेक्षा भावना। सदगुरु के प्रति करुणा भाव से हम तो भरे हैं, लो ना तुम्हें अगर ऐसा लगे, अब सदगुरु के प्रति क्या भावना करने की, करुणा भावना ऐसा रखो। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, किसके प्रति कौन सी भावना, मैत्री सकल जगत के प्रति, प्रमोद अपने से ऊपर वाले के प्रति, यानी कि जिसमें गुण दिख जाए उसके प्रति, करुणा अपने से नीचे वाले में कि जिसमें दोष दिख रहा है लेकिन फिर भी उसे दोष में से बाहर निकालने की तुम्हारे अंदर वो जुनून है, वो पैशन है कि चाहे कितना भी अज्ञानी है लेकिन मैं फिर भी इसे, इस अज्ञान से बाहर लाने की कोशिश करूंगा, ये पैशन तुम्हारे अंदर आ जाए, दैट इज करुणा। करुणा का कभी चित्रण करो ना तो तुम्हें यही लगेगा, करुणा यानी रोती हुई आंखें, ऐसा नहीं है। करुणा यानी, अभी सारी डेफिनेशंस बदल दो,
पैशनेट इंसान, उल्लास से भरा हुआ इंसान कि जो अपने ढंग से, रंग से, अपने शब्दों से, किसी भी ढंग से सामने वाले का कल्याण करने को तत्पर है। करुणा वाली अगर तुम्हें कहूं कि इमेजिन करो कोई पिक्चर, तो तुम कैसा सोचोगे? रोती हुई पिक्चर ही तुम्हारी नजर के, ओहो बड़ी करुणा से भरे हुए आंखें उनकी, ऐसा नहीं है। करुणा मीन्स अ पैशनेट पर्सन, कि चाहे डू और डाई बट आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरीवन। अभी डाई का तो सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं पार्थ ही कह रही थी कि बेचारे कर्म भी हमसे इतना डरते हैं ना, कि अगर वो कर्मों को, मतलब कोई बुरे कर्मों को, अंतराय कर्मों को या अशुभ कर्मों को, वेदनीय कर्मों को उदय में आना भी हो ना, तो हम उन्हें कहते हैं कि अभी थोड़ा हम काम में, बाद में आना जरा। और वो बेचारों को हम इतनी बार हम उनको टरका चुके हैं, टरका मतलब इतनी बार हम उनको डिले कर चुके हैं कि वो थक गए हैं। जैसा भक्तांबर में कहा ना, वो दोषों को हटाओ ना, तो फिर वो कहते हैं हम दूसरा घर ढूंढते हैं। तो सारे अंतराय भी हमारे दूसरा घर ढूंढने में लगे हैं। कोई बीमारी नहीं पड़ता इन 12 जनों में से, देखो ना, इन 12 जनों में से कोई बीमारी नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जहां हर जगह फ्लू, और वो क्या चल रहा है आजकल, डेंगू। जहां हर जगह डेंगू चल रहा है, वहां ये लोग पूरा मस्ती से मच्छरों के बीच में खेलते हैं, लेकिन फिर भी बेचारा डेंगू का मच्छर इनसे दूर भागता है, ये नहीं भागते मच्छरों से। व्हाई? क्योंकि तुम सेवा में इतने बिजी हो, इतने बिजी हो। और मैं कल तो पार्थ को कह रही थी कि पार्थ, सेवा का एटीट्यूड जस्ट बाऊ, अभी की तो हो गई फाइनल, अब बस फाइनल प्रिंट में जा चुकी है आफ्टर ऑल द कलर्स एंड ऑल द मैटर। अब वो फाइनल प्रिंट में गई, कल उसको बोल रही थी पार्थ, नेक्स्ट रिलीज इसका तब है जब तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स होगी, तो तुम्हें कितना काम करना होगा, कितनी सेवा, और कितना तुम्हें अपनी एग्जाम्स की तैयारी पहले करनी होगी। तो इसका आंसर क्या था पता है? वाओ मॉम, हमारी लाइफ कितनी एडवेंचरस है। वाओ कितनी एडवेंचरस है। और अभी थोड़े दिनों पहले एक बात कर तू लास्ट, फिर तुम मीटिंग शुरू कर देना। थोड़े दिनों पहले हम लोग कुलाची में गए, तो बड़ा अच्छा सा सम्मान दिया और बड़ा मजा आया। ये सम्मान लेने में इतना मजा होगा मुझे पता नहीं था। पहले दीप जलाने को दिया हमें, क्या क्या दिया, फिर वो एक फ्लावर पॉट दिया, फिर हाँ बैम्बू स्टिक रखो, हाँ गुड लक टोकन दिया हमने, दीप जलाया, हमारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें भी हुई वहाँ पर, उन लोगों ने इतना अच्छा अनाउंसमेंट किया जो सारा हमने लिख के दिया था। अब तुम लोग तो अपने इसलिए बोलने का ना, ऐसा कुछ नहीं, तो सब कुछ अच्छा हुआ और बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा, अब गाड़ी में तो ये सब साथ में थे, तो इनके सामने तो बातें चलती रहती है, लेकिन थोड़ा मन ऐसा होता है ना, जब खाली होता है ना, तब वो सोच के अहंकार पुष्ट होता है, इज़न्ट इट, कि वाओ आज कैसा टीचर्स ने सम्मान दिया। जिन टीचर से हम लोग थर थर कांपते थे, वो आज गले लग रही थी, उस दिन लगी ना। जिन टीचर से हम लोग इतना डरते थे, वो सामने आके हग कर रही हैं और इतना खुश हो रही हैं कि तुम तो राइट पाथ पर हो और ये है एंड वो है। तो बड़ा सोचा कि आराम से ना घर जाके इस बारे पे चिंतन करेंगे, थोड़ा अहंकार तगड़ा करेंगे अपना। लेकिन जहाँ घर आए, वो प्रिंटर सर पर बैठे थे। तो पार्थ को ये बोला कि पार्थ, हमारी लाइफ इस कृपाणु ने कितनी अच्छी प्लान की है कि हमें अहंकार करने की भी फुर्सत नहीं है, वरना ऐसे प्रसंग में उसे पहली बार ये सब मिल रहा हो तो किसको अहंकार, देखो होना चाहिए ना, थोड़ा तो व्याज भी है कि नहीं, क्या हाँ बोलते हैं गर्व नहीं नहीं अच्छा है। इसलिए कृपाणु को शायद पता था कि उनके बच्चे हैं ना इतने बेवकूफ है कि इतना इतना समझाने के बाद भी है ना कहीं अहंकार कर लेंगे, तो उनकी लाइफ को इतना बिजी कर दो कि उनको ये सोचने का ही टाइम ना मिले। और 3 दिन बाद जब याद आया, तब तो बात इतनी पुरानी हो गई थी कि अब उसको सोच के कौन एंजॉय करे। चलो वो तो पुरानी न्यूज हो गई, छोड़ो उसे, अपनी लाइफ को सेवा में बिजी रखो। और तुमने देखा होगा ना, जितना तुमने बिजी रखा, जितना सेवा के अंदर इस लाइफ को बिजी रखा, उतना तुम्हें दूसरे विचार आ ही नहीं सकते कभी। सेवा नहीं कर सकते तो नित्यक्रम के अंदर बिजी रखो, पर कहीं ना कहीं अपने को बिजी रखो, क्योंकि अभी तुम्हारी वो भूमिका नहीं कि तुम निवृत्ति में बिना किसी विषय विकार के आराम से बैठ सकोगे, ये भूमिका नहीं है तुम्हारी। जिस दिन तुम्हारी ये भूमिका आएगी ना, मैं खुद कहूंगी चले जाओ इडर पर, चले जाओ किसी पहाड़ में, चले जाओ किसी आश्रम में, चले जाओ, लेकिन अभी तुम्हारी ये भूमिका नहीं है। जब अभी ये भूमिका है ही नहीं, तो क्यों जबरदस्ती निवृत्ति का ढोंग करते हो? 1 घंटा तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा महीने में कभी कोई एक दिन आएगा जब घंटा तुम्हारा ध्यान बहुत सधा हुआ होगा,
तो ठीक है उस ध्यान को एंजॉय करो, लेकिन बाकी के 29 दिन उस ध्यान की खोज मत करो, क्योंकि ध्यान जो है ना वो अपने आप प्रगटता है। और जब तुम मैत्री आदि इन चार भावनाओं से तुम्हारा हृदय भरा होगा ना, तो तुम देखना वो जो 30 दिन में एक बार आता है ना स्वाति प्रभु, वो 30 दिन में 5-5 बार आने लगेगा, 6-6 बार आने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिनों दिन इतने अच्छे जा रहे हैं कि ध्यान में जब बैठते हो तो कोई विकल्प ही नहीं, और विकल्प नहीं है तो क्या है? निर्विकल्पता है, दैट्स इट। तो इन चार भावनाओं के साथ इस मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, और मुझ में एक में हो उससे नहीं चलेगा। वी ऑल आर द पिलर्स, हम पूरी वो चेन बना के चल रहे हैं ना, और इस चेन में एक के अंदर भी वैर बुद्धि आ गई, एक के अंदर भी करुणा का भाव नहीं होगा, तो पूरी चेन खड़ी रह जाएगी कि नहीं? हाँ, मोटिवेट करेगा दूसरा, लेकिन तब यदि अहंकार भी तो इतना आ जाता है ना कि नहीं मैं ही राइट हूं। कई बार हमें नहीं लगता था संजय प्रभु कि ऐसे लोगों के लिए ना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है प्रभु, भक्तांबर के सत्संग से पहले नहीं लगता था कि पूरे बड़े, क्या इनका एक बड़ा फेवरेट वर्ड है, बोलो बोलो, निकम्मे। नहीं, आप बोलते थे, आपका वर्ड है, आपको नहीं कह रही मैं, आप बोलते थे ना कि प्रभु ये बड़े निकम्मे लोग हैं, इनके लिए ना आप कुछ करो मत। और एक तरफ गौतम प्रभु जो कहते थे कि आपका ज्ञान है ना 10-20 लोगों के लिए नहीं है, उसे फैलाना है, उसे और हजारों तक लेके जाना है, ये इनके जीवन का मिशन था, और वो आपका दृष्टिकोण था। लेकिन अब तो आपको ऐसा नहीं लगता ना, आफ्टर द सत्संग ऑफ भक्तांबर्स, चाहे निकम्मे हैं लेकिन फिर भी एक बार ज्ञान चर्चा कोई सुनेंगे ना तो उनके जीवन में रूपांतरण आए बिना नहीं रह सकता। तो इन चार भावनाओं के साथ मैत्री यानी निर्वैर बुद्धि और हित की भावना, दूसरा प्रमोद यानी गुण देखना और उल्लास। गुण देखना मतलब खाली इतना नहीं कि हाँ है तो यू इंजॉय दैट, ऐसा होता है ना, है तो। थर्ड करुणा, दुख को देखना और हेल्प करना, जितने भी तुम्हारे पास ताकत हो। कौन कह रहा है तुम्हारे खजाने लुटा दो, लेकिन 50 तो दे ही सकते हो, उसमें तुम भिखारी थोड़ी हो जाओगे, 50 तो दो। और चौथा उपेक्षा, यानी मैत्री प्रमोद करुणा सब कुछ करना भी, लेकिन अगर वो तुम्हारी बात को फिर भी नहीं समझता, नहीं समझता तो छोड़ो, तुमसे विरोध में रहता है, इग्नोर, ओवरलुक। करना सब कुछ बट देन ओवरलुक, पॉसिबल है कि नहीं? बड़ा मुश्किल सा है। और कुछ क्लैरिटी होगी इससे जीवन में? मैत्री प्रमोद करुणा उपेक्षा, ज्ञानियों ने कहा है कि अपने भीतर पात्रता उत्पन्न करने का मात्र एक यही मार्ग है, मात्र एक। दैट्स इट फॉर टुडे। ये गा लो एक बार, चलो मैं ही गा लेती हूँ। ये भाव मैत्री पर की हितेच्छा, ये भाव मैत्री प्रमोद है वो गुण की प्रशंसा, प्रमोद है वो गुण की प्रशंसा। कारुण्य नित्य पर दुख चिंता, कारुण्य नित्य पर दुख चिंता। माध्यस्थ है सब में संभाव दृष्टा, माध्यस्थ है सब में संभाव दृष्टा। लो लो, इनका मीटिंग का टाइम मैं कैसे ले सकती हूँ? थैंक यू प्रभु। अहो अहो हो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा हमर पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। सुप्रभु चरण कने धरु आत्मा थी सोही,
थी वर तो प्रभु आदीन दास दास हूँ दास छु आप प्रभु नो दी सट स्थानक समझाविने बिन बताव्यो म्यान थकी तरवार व्र ए उपकार जे स्वरूप समझ्या विना पाम्यो दुख अनन समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखदा जेणे आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वरते देहाती आज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी हो वंदन अगणी। बोल जी ने शास्त्र देव श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। श्री परम कृपालु देव की जय। आज के आनंद की जय।